मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप घर पर ही सेफ रहिए, पेरेंट्स का कहना मानिए और पढ़ाई भी घर पर करते रहिए। तो आज बच्चों, मैं आपकी LKG की क्लास टीचर हूँ और आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी आज मैं आपको? मैथ्स। ओके, अब मैथ्स में आज मैं आपको नियर और फार का हम गेम खेलेंगे। ओके, नियर का मतलब क्या होता है बच्चों? नज़दीक। और फार का मतलब क्या होता है बच्चों? दूर। जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है तो हम क्या कहेंगे? नियर, कि ये हमारे नियर है। अगर दूर होती है तो क्या कहेंगे? फार, कि वो हमसे फार है, यानी दूर है। तो हम आज नियर और फार का कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, ये आपकी बुक है, इसमें भी आपका देखिए नियर और फार का कंसेप्ट दिया हुआ है। नियर एंड फार, नियर मतलब नज़दीक एंड फार मीन्स दूर। अब जैसे देखिए, ये कौन है? कैट। और कैट के देखो यहाँ पर क्या है? ये कैरेट है। और ये क्या है? ये भी कैरेट है। तो ये बीच में कौन है? कैट, बिल्ली। अब हमें ये बताना है बच्चों कि ये जो कैट है इसके पास कौन सी कैरेट है। ये कैरेट इसके नज़दीक है या ये कैरेट इस कैट के नज़दीक है? तो हमें सर्कल करना है उस कैरेट को जो, सॉरी, ये रैबिट है, रैबिट के जो नज़दीक है। ये रैबिट है बच्चों, सॉरी गलती हो गई, ये रैबिट है। रैबिट के नज़दीक कौन सी कैरेट है? यानी नियर। तो अब देखो, ये कैरेट इसके रैबिट के नज़दीक है, यानी ये नियर है। तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल। तो जो कैरेट इस रैबिट के नज़दीक है उसे क्या करना है बच्चों? सर्कल। तो ये इसके नज़दीक है रैबिट के, और ये तो यहाँ से बहुत दूर है। ये यहाँ पर जाएगा तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि ये दूर है। तो ये फार है और ये नियर। तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐसे सर्कल कर देंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पिक्चर में, ये क्या है? नेस्ट। और ये दोनों क्या हैं? बर्ड्स। अब हमें ये टिक लगाना है उस बर्ड्स पर जो इस नेस्ट से दूर है, यानी फार। फार मीन्स दूर। तो दोनों बर्ड्स में से फार कौन है? इस नेस्ट से फार कौन है? फार मीन्स दूर। तो दूर कौन सी बर्ड है? ये बर्ड कहाँ है? ये तो इसके पास में ही बैठी हुई है, ये नियर है। और ये क्या है? ये इससे दूर है। देखो कितनी दूर है, यहाँ पर नेस्ट यहाँ है और ये यहाँ, तो ये दूर है, यानी कि ये क्या हो गई? फार। तो इसके ऊपर हम क्या यहाँ क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। तो ये फार है। इसी तरह से देखिए नीचे पिक्चर दी हुई है, टिक लगाना है हमें प्लेयर्स। देखिए ये प्लेयर्स हैं, गेम खेल रहे हैं, और ये जो जहाँ पर खेलते हैं इसे हम कहते हैं पिच। तो हमें उन प्लेयर जो पिच के नज़दीक हैं उन पर तो राइट लगाना है, और जो इस यहाँ से दूर खड़े हैं, दूर हैं, उन पर क्या करना है? क्रॉस लगाना है। तो देखिए ये प्लेयर क्या खेल रहे हैं? खेल रहे हैं, और ये अपनी जगह पर खेल रहे हैं। ये जो जगह बनी हुई है तो ये होती है पिच। तो ये पिच के पास हैं, नियर। तो ये क्या है? नियर, पिच के नियर। तो नियर में हमें क्या करना है बच्चों? टिक। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। और ये इस पिच से देखो कितनी दूर खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं भाई हमारे बॉल लग जाएगी, हम तो दूर ही खड़े रहेंगे। तो ये है फार। तो ये कहाँ है बच्चों? फार। तो फार के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस लगाना है। तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से बच्चों देखो, मैंने नोटबुक में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर रखी हैं फार और नियर की, तो हम उसमें अभी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमारी नोटबुक है,
कंसेप्ट ऑफ नियर एंड फार। अब देखिए ये क्या है बच्चों, हट, ये ट्री है और ये भी ट्री है। तो हट के नियर कौन सा ट्री है बच्चों, जो हट के नियर है वहाँ हमें राइट लगाना है और जो दूर है उसे हमें क्रॉस करना है। तो हट के नियर कौन है, नियर मीन्स नज़दीक। तो दोनों ट्री में से कौन सा नज़दीक है हट के, ये ट्री इसके नज़दीक है यानी नियर। तो ये ट्री क्या है यहाँ पे, नियर। तो नियर के लिए क्या करेंगे हम, राइट। और ये दूर है, क्या है ये, फार। तो फार के लिए हम क्या कर देंगे, क्रॉस। जो चीज़ दूर है उसे क्रॉस करेंगे और जो इसके नियर है उसमें हम राइट करेंगे। इसी तरह से फिर से देखिए, यहाँ ये बास्केट है और ये एप्पल हैं, कुछ एप्पल यहाँ पर भी हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से एप्पल बास्केट के नियर हैं, ये एप्पल बास्केट के नियर हैं या ये एप्पल बास्केट के नियर हैं। तो देखिए कौन से एप्पल्स नियर हैं बास्केट के, नियर मीन्स नज़दीक। तो कौन से एप्पल्स नज़दीक हैं जल्दी से देखिए बताइए, ये वाले एप्पल्स, ये बास्केट के देखो बिल्कुल पास हैं। तो ये क्या हैं बच्चों, नियर। तो जो चीज़ हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, नियर। और जो दूर है वो, ये दूर है तो ये क्या है, फार। तो हमें नियर को क्या करना है, राइट करना है। तो ये नियर है ये एप्पल्स इस बास्केट के, हम यहाँ पर राइट का साइन लगा देंगे। और ये एप्पल्स इस बास्केट से फार हैं यानी दूर हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। तो इस तरह से आपको बच्चों समझ में आ गया कि नियर कब होता है और फार कब होता है। नियर का मतलब नज़दीक, जो हमारे पास है, और फार मीन्स दूर। तो इस तरह से नियर और फार का कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। देखिए और मैं एग्जांपल देखती हूँ आपको। इसी तरह से आप बच्चों फाइव चीज़ों को आप मम्मा को बताओगे कि मम्मा ये नियर है और ये चीज़ यहाँ से फार है। तो मम्मा से बताना नियर कौन सी चीज़ है और फार कौन सी चीज़ है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, देखिए जैसे ये क्या है, पेन। ओके, और ये है पेंसिल, इस तरह से। अब ये क्या है बच्चों, ये है कटर। अब ये कटर मैंने यहाँ रख दिया पेंसिल के साथ। तो अब आप ये बताइए कि ये जो कटर है इसके नज़दीक कौन है, पेंसिल है या पेन है। तो कटर के नियर कौन है, कटर के पास कौन है बच्चों, बताओ जल्दी, पेन या पेंसिल। कटर के नियर, इसके नियर कौन है, तो इसके नियर ये है, नहीं ये तो यहाँ से देखो कितनी दूर है, यहाँ है ये, और पेंसिल ये यहाँ पर है। तो कटर के नियर कौन है, पेंसिल। तो पेंसिल कटर के नियर है यानी पास, नज़दीक है, और ये पेन इस कटर से दूर है, क्या ये, फार। तो पेन इज फार फ्रॉम कटर एंड पेंसिल इज नियर कटर। तो पेंसिल कटर के नज़दीक है। तो इस तरह से बच्चों समझ में आया, गुड। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और मम्मा को आपको बताना है कि मम्मा ये नज़दीक है और ये फार है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, कंसेप्ट ऑफ नियर एंड फार। आप सबको समझ में आ गया, तो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।